हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ज्ञान प्लस चैनल में। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर। इस बार हम वीडियो में विश्व के 10 सबसे बड़े द्वीप की बात करेंगे। उसके बाद हम इसी वीडियो में हम आपके लिए विश्व के सबसे 10 बड़े मरुस्थल की बात करेंगे। और उसके बाद इसी वीडियो में हम आपको विश्व के 10 सबसे बड़े ऊँचे जलप्रपात की बात करेंगे। और उससे संबंधित कुछ ट्रिक हम देंगे जिससे आपको एग्ज़ाम में आसानी हो याद करने में। तो आज देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि विश्व के सबसे बड़े द्वीप कौन कौन से हैं, 10 बड़े द्वीप कौन कौन से हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो ये देखते हैं, हम शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्या है। पहला सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है, जिसका वर्ग क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है 22 लाख वर्ग किलोमीटर है। दूसरे हम सबसे बड़े जो है द्वीप की बात करते हैं तो वो है न्यू गिनी है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है आपका 8,08,000 वर्ग किलोमीटर है। बोर्नियो, तीसरे की बात करते हैं तो बोर्नियो है, जिसका है 7,57,050 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। आगे हम बात करते हैं मेडागास्कर की, तो मेडागास्कर का क्षेत्रफल है आपका 5,94,000 वर्ग किलोमीटर। अब हम बैफिन की बात करते हैं तो 5,24,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसी प्रकार सुमात्रा द्वीप की हम बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल है 4,76,000 वर्ग किलोमीटर। आगे हम बात करते हैं तो होन्सू द्वीप जापान में है, जो कि सुमात्रा द्वीप आपका है इंडोनेशिया का, होन्सू द्वीप आपका जापान का है। इसका क्षेत्रफल है 2,29,800 वर्ग किलोमीटर है। इसी प्रकार ग्रेट ब्रिटेन की हम बात करते हैं तो इस ये होगा आपका 2,29,800 वर्ग किलोमीटर। इसी प्रकार हम विक्टोरिया द्वीप की बात करते हैं तो ये 2,12,000 वर्ग किलोमीटर है। और इसी प्रकार हम इल्स मीरे की बात करते हैं तो 1,96,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो ये रहे विश्व के सबसे 10 बड़े द्वीप। और इसकी याद करने के हमें एक आपको ट्रिक दे रहे हैं जिससे आपको एग्ज़ाम में याद करने में आसानी हो। और एग्ज़ाम में शुरू के 3 ही पूछता है ज़्यादातर, तो हम शुरू के 3 याद करने की आपको ट्रिक दे रहा हूँ और आपको एग्ज़ाम में बहुत आसानी होगी करने में। तो देखते हैं ट्रिक क्या है। तो ट्रिक देखते हैं, ट्रिक क्या है, ट्रिक है आपकी ग्रीन गन वन में। तो ग्रीन गन वन में ये आपकी ट्रिक है, ग्रीन गन वन में। आप नोट कर लीजिए कहीं, ग्रीन से हो जाएगा आपका ग्रीनलैंड, न्यू गिनी से आपका हो जाएगा गन से गिनी, और बोर्नियो से हो जाएगा वन से आपका बोर्नियो, और मे से हो जाएगा आपका मेडागास्कर। तो ये हम आपको याद करने की कितनी आसान ट्रिक दे दी है, आपको याद रटने की ज़रूरत ही नहीं है। एक बार इसको ट्रिक को आप दिमाग में बैठा लीजिए, उसके बाद आप कोई भी एग्ज़ाम हो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। अब हम आगे बात करते हैं विश्व के सबसे बड़े 10 मरुस्थल की बात करते हैं। तो हम बात करते हैं विश्व के सबसे बड़े 10 मरुस्थल की बात करते हैं। तो सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा है, जिसका क्षेत्रफल है 90,65,000 वर्ग किलोमीटर है। हम गोभी की बात करते हैं दूसरे नंबर पे, तो गोभी है 1,12,95,000 वर्ग किलोमीटर। इसी प्रकार हम तीसरे की बात करते हैं तो रब अल खली, जो कि कितना है, 7,50,000 वर्ग किलोमीटर। इसी प्रकार हम ग्रेट विक्टोरिया की बात करते हैं तो 6,47,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र फैला है। सोनोरन की बात करते हैं तो 3,11,000 वर्ग किलोमीटर फैला है। कालाहारी की बात करते हैं तो आपका 3,10,800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पे फैला है। काराकुम की बात करते हैं तो ये आपका 3,00,000 वर्ग किलोमीटर पे फैला है। इसी प्रकार हम तकला मकान ईरान की बात करते हैं तो 2,60,000 वर्ग किलोमीटर पे फैला है। नामीबिया की बात करते हैं तो ये 1,35,000 वर्ग किलोमीटर पे फैला है। दसवें स्थान पे भारत का थार रेगिस्तान आता है, जिसका क्षेत्रफल होगा 1,30,000 वर्ग किलोमीटर। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला रेगिस्तान थार है। तो इसकी हम ट्रिक देते हैं आपको सहारा, तो इसकी ट्रिक क्या होगी आपकी, देखिए ट्रिक याद कर लीजिए टॉप 5 याद करने की। तो देखिए साग खावे शोक, ये आपकी ट्रिक है। देखिए सा से आपका हो गया सहारा, गा से हो गया आपका गोवी, खा से हो जाएगा रब अल खली, और वे से हो जाएगा विक्टोरिया आपका,
शोक से देखिए सा से हो जाएगा आपका सोरोन सोनोरन, और का से हो जाएगा आपका काल्याहारी। तो इसमें हम टॉप 6 की ट्रिक आपको दे दिए, साग खावे शोक, ये आपकी ट्रिक रही, इसे आपको याद करने में आसानी होगी। अब हम बात करते हैं विश्व के सबसे ऊंचे 10 जलप्रपात की बात करते हैं, तो देखते हैं वो कौन कौन से हैं। विश्व के सबसे 10 ऊंचे जलप्रपात की हम बात करते हैं, तो इसमें देखते हैं कौन से जलप्रपात हैं, किस नदी पर अवस्थित हैं, उनकी ऊंचाई क्या है। तो एंजल जलप्रपात की बात करते हैं, तो यह कोरोनी नदी पर स्थित है, इसकी ऊंचाई क्या है, 779 किलोमीटर है। इसी प्रकार हम तुगेला दक्षिण अफ्रीका जलप्रपात की बात करते हैं, तो तुगेला नदी पर स्थित है और यह 948 मीटर ऊंचा है। इसी प्रकार हम तीसरे ऊटी गोड की बात करते हैं नॉर्वे में, तो यह जोस्टेडल ग्लेशियर पर अवस्थित है और 826 मीटर ऊंचा है। यह मोंगे नॉर्वे की बात करते हैं, तो मोंगे नदी पर अवस्थित है, यह 780 मीटर ऊंचा है। मुतारोजी जिम्बाब्वे जलप्रपात की बात करते हैं, तो मुतारोजी नदी पर 762 मीटर ऊंचा यह जलप्रपात है। इसी प्रकार हम योसेमाइट की यूएसए की बात करते हैं, तो योसेमाइट नदी पे 746 मीटर ऊंचा यह अवस्थित है। इसी प्रकार हम सातवें की बात करते हैं, तो एस्पलांड नॉर्वे में अवस्थित है, एस्पलांड नदी पे यह 725 मीटर ऊंचा है। आगे हम बात करते हैं आठवें की, तो मार्डालस फोसेन जलप्रपात है नॉर्वे में जो अवस्थित है, या मार्डोला नदी पे अवस्थित है, इसकी ऊंचाई है 705 मीटर। इसी प्रकार कुकेनान वेनेजुएला है, या कुकेनान नदी पे अवस्थित है, 670 मीटर ऊंचा है। इसी प्रकार दसवें की बात करते हैं हम कील की, तो यह मिंडाल नदी पे अवस्थित है, यह 525 मीटर ऊंचा है। तो इस प्रकार हम 10 विश्व के सबसे बड़े द्वीप की बात किए, उसके बाद हम सबसे बड़े आपका रेगिस्तान की बात की है, और उसी प्रकार हम सबसे ऊंचे 10 जलप्रपात की बात किए। उम्मीद करते हैं कि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उससे संबंधित मैंने ट्रिक भी दी है। तो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।